हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे एग्जाम में जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। जैसे कि अभी सीजी सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा होने वाला है तो उसमें भी ये टॉपिक जो है अलग से मेंशन किया हुआ है, या फिर सीजी व्यापम के सारे एग्जाम में ही ये टॉपिक पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसका 20 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए जहां इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, ध्यान से देखिएगा और सब कॉपी पेन निकाल के रखें और नोट डाउन करते चलें, ठीक है। देखिएगा क्या है। पहला है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशंस स्टोर्ड, जहाँ पे हथियारों को रखा जाता है, जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा प्लेस, ठीक है, जहाँ पे वेपन्स या फिर एम्युनिशंस को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशंस स्टोर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, आर्सेनल, ARSENAL, क्या कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं। आर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर, या फिर शस्त्र भंडार, या फिर आयुध भंडार। याद रखिएगा ये वर्ड। अब मैं जो इसका हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं, क्या होगा, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्युनिशन स्टोर्ड इज नोन एज आर्सेनल, ठीक है, या फिर हथियार घर, शस्त्र भंडार, या फिर आयुध भंडार। ये वाला क्या याद रखना है, आयुध भंडार, ठीक है, बाकी तो वर्ड से आप समझ में आ जाएगा। दूसरा वर्ड है अ मिनिस्टर, ठीक है, अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब एक ऐसा मिनिस्टर या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को विदेशी कंट्री में यानी फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं राजदूत या फिर प्रतिनिधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसडर। और एम्बेसडर का स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्बेसडर के स्पेलिंग में बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से, मिस स्पेल्ड वर्ड के अंदर भी ये सब आते हैं, AMBASSADOR, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है एम्बेसडर का, AMBASSADOR, एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी होता है राजदूत या फिर प्रतिनिधि, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा वर्ड है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बिना सेल्फ का, मतलब बिना अपने आप को सोचे ही किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता हो, दूसरे के हेल्प करने की बात सोचता हो। इसलिए अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर द अदर्स, बिना किसी सोचे समझे, बिना अपना स्वार्थ रखे किसी दूसरे के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं, परोपकारी, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, ठीक है, क्या कहते हैं, ALTRUIST, ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा वर्ड, चौथा है पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ को एक ही तरह से यूज करता है, जिस तरह से मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर राइट हैंड से मैं लिख रहा हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से भी उसी स्किल के साथ लिख सकूँ जितना जैसे कि मैं राइट हैंड से लिख सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मतलब दोनों हाथ से सेम मतलब इक्वल स्किल्स के साथ काम कर सकता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छा वर्ड है इसके लिए याद रखिएगा। तो इसको कहते हैं ambidextrous, क्या कहते हैं, ambidextrous। मैं यहाँ पे कि जो चौथा है, चौथे का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखिएगा साफ साफ यहाँ पे दिखेगा, ambidextrous, DEXTROUS, ambidextrous। ambidextrous का मतलब क्या होता है, जो दोनों हाथों को एक समान शक्ति या योग्यता के साथ प्रयोग कर सकता है उसको हम कहते हैं ambidextrous। ये चौथा हो गया। पांचवा है अ पर्सन अटैच्ड लोनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी,
ठीक है, याद रखिए क्या है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति मतलब या फिर ऐसा कर जो कट्टर, कट्टरता की बात करता हूँ, अ पर्सन अटैच्ड लोनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, मतलब वो किसी ओपिनियन के बारे में इस तरह से चिपक जाएगा कि नहीं वही सही है, मतलब वही सही है और बाकी दुनिया में हर चीज़ जो है गलत है, किसी एक चीज़, जैसे कोई कई लोग जो है पार्टी को, किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब आंख बंद करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कट्टरता की भावना उसके अंदर आ गई हो किसी अपने ओपिनियन को लेके, ठीक है, या फिर किसी सिस्टम के लिए या फिर पार्टी के लिए जो कट्टरता आ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में अगर कहोगे तो कट्टर कह सकते हो, या फिर अपने धर्म या किसी विचार को लेके जो हठ धर्मी होते हैं, कट्टर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है याद रखिएगा, बायकॉट, BIGOT, बायकॉट, ठीक है, अ पर्सन अटैच्ड लोनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, जो किसी ओपिनियन, किसी सिस्टम और किसी पार्टी के लिए कट्टरता से जिसको हम सपोर्ट करते हैं लगते हैं, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, बायकॉट कहते हैं, BIGOT, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के जितने भी तरह के ड्रिंक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़कर जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, जैसे अल्कोहल वाला हो गया, ठीक है, ये सारे ड्रिंक को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेवरेज, याद देखिएगा ये वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, BEVERAGE, बेवरेज, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, पानी को छोड़ के, ठीक है, याद रखिएगा, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर इज कॉल्ड बेवरेज, ठीक है, याद रखिए, BEVERAGE, बेवरेज। सातवां है, अ पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव, मतलब कहने का मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो आसानी से किसी भी बात को मान जाए, ठीक है, जिसको मनाना, किसी को विश्वास, जिसको विश्वास दिलाना बहुत आसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी भी बात को मान ले उसको हम कहते हैं क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस का मतलब होता है जो सहजता से विश्वास कर लेता हो, ठीक है, जो आसानी से किसी बात को मान ले, जो भोलेपन होते हैं, जो भोले लोग होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रेडुलस। आठवां है, सिचुएशन इन विच वन हैज़ टू चूज बिटवीन टू थिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को चूज करना है किसी दो चीज़ों में, ठीक है, दो थिंग्स में कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई ये है या वो है, या फिर किसी दो तरह के एक्शन में कन्फ्यूज लूँ कि भाई मैं क्या एक्शन लूँ अभी, ठीक है, दो एक्शन में ही, ठीक है, दो ही बातों में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिलेमा, क्या कहते हैं, डिलेमा, DELEMA, डिलेमा, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, DE, नहीं DI होगा, DILEMA, ठीक है, डिलेमा, DILEMA, डिलेमा का हिंदी अगर बात किया जाए तो दुविधा, याद रहेगा ना, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई व्यक्ति दो चीज़ों के बारे में या फिर दो तरह के एक्शन में कि क्या एक्शन लूँ उसमें कन्फ्यूज़न उसको हो जाए, उसको हम कहते हैं डिलेमा या फिर दुविधा या संशय, ये सारा चीज़ कहते हैं। तो ये हमारा 8 इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हो गए, याद रखिएगा जो भी मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चांसेस बनेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया हूँ जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि मैं व्यापम के एग्ज़ाम से भी कुछ लिया हूँ, कुछ कुछ जो है जो SSC वगैरह के बैंकिंग के एग्ज़ाम है वहाँ से भी क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है, और नहीं भी पूछा गया है कहीं कुछ क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लेकर आया। तो चलिए नौवां देखते हैं, लेते हैं नौवां है, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, मतलब जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर व्याख्या किया जा सकता है, व्याख्या करने योग्य, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो उसको कहते हैं एक्सप्लीकेबल, EXPLICABLE, एक्सप्लीकेबल, ठीक है, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन उसको हम कहते हैं एक्सप्लीकेबल, जिसको हम व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या करने योग्य को हम कहते हैं एक्सप्लीकेबल, ठीक है। दसवां है, दैट विच कैन नॉट बी ब्लॉटेड, ठीक है, ब्लॉट करना का मतलब मिटाना होता है, मतलब ऐसा चीज जिसको हम मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, जो मिटाया ना जा सके
उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनडेलिबल, ई एन डी ई डबल एल आई बी एल ई, इनडेलिबल, ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो मिटाया ना जा सके उसको कहते हैं इनडेलिबल, ठीक है, डी ई डबल एल आई बी एल ई है डेलिबल का इस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब ऐसा या फिर वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिससे हराया ना जा सके, जिसको हम कहते हैं अजय है, ठीक है, जिसको कोई भी जीत नहीं सकता या फिर जिसको कोई हरा नहीं सकता, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, उसको हम कहते हैं इनविंसिबल, इनविंसिबल, आई एन वी आई एन सी आई बी एल ए, इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, ठीक है, अजय, जिसको हम जीत नहीं सकते या फिर जिसको हम हरा नहीं सकते, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनविंसिबल, ठीक है। बारवां देखते हैं, बारवां है द स्टडी ऑफ क्वाइंस एंड मेडल्स, मतलब क्वाइंस या सिक्कों का अध्ययन या फिर मेडल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, ये जीके में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ क्वाइंस एंड मेडल्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, एन यू एम ई एस, न्यूमिस, सॉरी ई नहीं होगा, ये आई होगा, ठीक है, डिलीट करके लिखते हैं, एन यू एम आई एस, न्यूमिस्मेटिक्स, एम ए टी आई सी एस, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक, ये एग्जाम में पूछा गया ना, इसको मुद्रा शास्त्र या फिर पदका शास्त्र कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ क्वाइंस एंड मेडल्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, एन यू एम आई एस एम ए टी आई सी, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तेरहवा है एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव, क्या है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, मतलब जिसको कुछ ज्यादा ही अहंकार हो जाए, अत्यधिक अहंकार हो जाए किसी चीज को लेके, उसको हम क्या कहते हैं, क्या है क्वेश्चन, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ, जो किसी चीज से या फिर खुद से कह लीजिए अत्यधिक अहंकार हो जाता है, उसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म, ये याद रखिएगा, एन ए आर सी आई, नार्सिसिज्म, डबल एस आई एस एम, ठीक है, नार्सिसिज्म, डबल एस आई एस एम, मतलब अतिरिक्त अहंकार, जिसको बहुत अधिक अहंकार हो जाए, उसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म, जो है मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसे जिसको अहंकार हो जाए उसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म। अगला है मोस्ट होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो मतलब अपने जीवन में, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा निराश रहते हैं अपने जीवन से, कि भाई मेरा जिंदगी खराब हो गया, मेरा जिंदगी लूट हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिंदगी में क्या करते हैं, उसमें जो पॉजिटिव चीज होता है उस पे भरोसा रखते हैं, ठीक है, जो होपफुल व्यू पर मतलब भरोसा रखते हैं, ठीक है, आशा रखते हैं कि कुछ अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं आशावादी, ठीक है, जिसको लगता है, और ऐसे लोग ही अच्छे होते हैं जिनको अपने लाइफ में विश्वास होता है कि कुछ तो होगा, तो ऐसे को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया है, ओ पी टी आई एम आई एस टी, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं, आशावादी, मोस्ट होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो अपने लाइफ में अच्छे से होप को बनाए रखते हैं कि भाई आज ना कल होगा ही, और मेहनत करते रहते हैं। मैं कहता हूं कि आप सब भी ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज को लेकर चल रहे हैं कि हम मेहनत करते रहेंगे, आज ना कल तो हमको फल मिलेगा, तो आप भी ऑप्टिमिस्ट होंगे। लेकिन कुछ समय पढ़ने के बाद ही लोगों को लगता है कि भाई मेरा तो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो आपका अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारना है और तब आगे बढ़ना है, तब कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी आपको। तो ऑप्टिमिस्ट के, तो ये तो आशावादी हो गए, इसके जस्ट उल्टा होते हैं कुछ लोग जो हमेशा निराश रहते हैं, वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ द थिंग्स, जो किसी चीज़ के डार्क थिंग को ही लेके चलते हैं, नेगेटिव चीज़ को ही लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट, ये भी लिख लीजिए, पी ई डबल एस आई एम आई एस टी, पेसिमिस्ट, ठीक है, ये होते हैं निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट हो गए आशावादी, पेसिमिस्ट हो गए निराशावादी, जो डार्क थिंग को ही लेके चलते हैं, डार्क व्यू को लेके चलते हैं, और ये क्या हो गया, होपफुल व्यू, होपफुल
व्यू को लेकर चलते हैं। तो ये दोनों का एक अपोजिट वर्ड की तरह भी यहाँ से लिया जा सकता है, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट पेसिमिस्ट या पेसिमिस्ट का अपोजिट ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, चलिए 15वां, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए पोएम और प्ले। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पोएम और ए प्ले, मतलब कोई कविता है, कोई ड्रामा नाटक है, तो उसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है चीजों का, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो किसी भी पोयम और प्ले का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है शुरुआत में, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो प्रस्तावना कह लेते हैं। इंग्लिश में होता है प्रोलॉग कहते हैं, PRO, ठीक है, PROLOGUE, प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना, PROLOGUE, प्रोलॉग। ठीक है, 16वां, वन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी चीज को करने में एकदम एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, जो किसी चीज को करने में क्या हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो इतने बार वो किया हो उस चीज को कि वो काम को करने में एक्सपीरियंस्ड हो गया है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, वन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, उसको हम कहते हैं, मतलब जो अपने क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेटरन, VETERAN, वेटरन। ठीक है, याद रखिएगा, वन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, जो अपने क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखता है उसको हम कहते हैं वेटरन, या फिर अनुभव रखने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी पूछा गया है। 17वां है इंटेंस डिसलाइक और फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो, या तो जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेशी होते हैं, या तो उनको डिसलाइक करते हो या फिर उनसे बहुत डरते हो। ठीक है, जो किसी स्ट्रेंजर से, फॉरेनर्स का मतलब केवल विदेशी ही मत माइंड में रखिए, मतलब अनजाने लोग। ठीक है, तो अनजाने लोग से क्या होते हैं, जो बहुत उनसे डरते हैं, फियर रखते हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मतलब लोगों को नहीं, मतलब इस तरह की भावना रखने वाले को क्या कहते हैं, जो जो स्ट्रेंजर्स हो गए, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो अनजान लोग होते हैं, उनसे मिलने में डरते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग को क्या कहा जाता है? ज़ेनोफोबिया। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं ज़ेनोफोबिया, अनजान लोगों का डर, XENO, ज़ेनो, PHOBIA, फोबिया। ठीक है, XENO, ज़ेनो, PHOBIA, फोबिया, ज़ेनोफोबिया कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। 18वां देख लेते हैं, दैट विच कैन बी रेड इजिली, जिसको आसानी से रीड किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कहने का कि जिसकी राइटिंग, मतलब साफ सुथरा, क्लियर लिखा हो, मतलब इतना क्लियर इनफ है कि जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इजिली पढ़ा जा सकता है, तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं लेजिबल, LEGIBLE, यहाँ पे आई है। ठीक है, LEGIBLE, लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य क्या मतलब, ऐसा नहीं कि बातों को जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा लिखावट की बात हो रही है या फिर सफाई की बात कर रही है, मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि पढ़ ही नहीं सकते, जो खुद लिखा खुद ही नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा हम क्या मतलब, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता हो, मतलब लिखावट की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं लेजिबल, LEGIBLE, पढ़ने योग्य। अगला है कैपेबल ऑफ बीइंग इजिली सेट ऑन फायर, मतलब ऐसा चीज़ जो आसानी से आग पे रखते ही जल जाए, मतलब जो जलने योग्य हो, जो आसानी से जल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल, INFLA, इनफ्लेमेबल, MMABLE, इनफ्लेमेबल, INFLA, MMABLE, इनफ्लेमेबल मतलब जो शीघ्र जलने योग्य हो, आसानी से जल जाए, आग पे रखे और जल जाए। ठीक है, उसको हम इनफ्लेमेबल कहते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल क्या होता है, तुरंत आग लगा पकड़ लेता है, तो इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, 20वां, वन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेब्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपना, जो उसका ऋण है, जो उधार है, उसको पे करने में वो सक्षम नहीं है। ठीक है, वो उसे पे नहीं कर सकता, बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, उसको हम कहते हैं, इसके लिए दो वर्ड लिख लीजिए, एक होता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, RUPT, ठीक है, बैंकरप्ट। ठीक है, दिवालिया। एक और इसके लिए वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ INSOLVENT, इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है दिवालिया,
बैंकरप्ट का मतलब हो जाता है दिवालिया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऋण तो लिया था लेकिन उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 20 टॉप 20 वर्ड्स को हमने देखा, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो मुझे ये वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो मुझे लगा कि आने वाला भविष्य के एग्ज़ाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा, इसलिए मैं डाल दिया हूँ। जब भी आपको मौका मिले ऐसे वीडियोस को देख लेंगे, स्पीड करके फास्ट करके आप डेढ़ गुना दो गुना करके आप एक बार फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो टेलीग्राम चैनल भी वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे भी क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, उसके बारे में डाउट क्लियर करते रहते हैं, और जहाँ तक जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उन सारे चीज़ों का आंसर देने की कोशिश करता हूँ, और किसी भी वीडियो का PDF वहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना पढ़ाई अच्छे से रखें, धन्यवाद।